माइनक्राफ्ट पर मेरे पास होने वाला है एक ड्रैगन है जिसको मैं हैच कर सकता हूँ, यानी अंडा फूटने पे निकलने वाला है एक बेबी ड्रैगन। जिस ड्रैगन को मुझे अपना पेट बनाना है, खिला पिला के बड़ा करना है, पावरफुल बनाकर इस माइनक्राफ्ट के बॉस एंडर ड्रैगन को मार के गेम को करना है। लेट्स गो, देखते हैं कि आखिरकार ये चैलेंज डिफिकल्ट होने वाला है या फिर इजी। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैच को अपने न्यू वर्ल्ड में और ये है मेरे हाथ में प्यारा सा ड्रैगन एग। अब इस एग में से ड्रैगन को बाहर निकालने के लिए मुझे इस एग को हैच करना होगा और हैच करने के लिए मुझे इस एग को थोड़ी बहुत हीट प्रोवाइड करनी होगी और हीट हमें मिलने वाली है कैंप फायर से। यानी मुझे सबसे पहले कैंप फायर बनाना है और कैंप फायर बनाने के लिए ढेर सारी वुड चाहिए होती है। और आप लोग पीछे देख ही पा रहे हो, हमारी गेम स्टार्ट हुई है एक जंगल बायोम से। इतने बड़े बड़े ट्री हैं, बिल्कुल वुड की कमी नहीं पड़ने वाली। लेट्स गो, यहीं से स्टार्ट करते हैं वुड माइन करना। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ से ढेर सारी वुड जो है तोड़ लिया है। टोटल 7 वुडन लॉक्स मेरे पास आ चुके हैं। अब फटाफट से चल के ना मैं काम करता हूँ। पहले तो ये जो 4 लॉक्स है ना, इन्हें साइड रख लेते हैं, बाकी सबके मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ। एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं और मुझे बनानी है एक स्टिक, टोटल 4 स्टिक। और अब कैंप फायर बनाने की जो रेसिपी होती है ना, तो वेट, उस रेसिपी के लिए हमें एक चारकोल भी बनाना पड़ता है। और अभी मुझे याद आया, चारकोल बनाने के लिए पहले फर्नेस बनाना पड़ेगा क्योंकि वो एक वुड का लॉग जलाने से बनता है। तो फिर भाई देखो, सीधी सी बात है, स्टोन तोड़ के लाना है। तो फिर फटाफट से ना यहाँ से कुछ मैं पिकैक्स वगैरह बना लेता हूँ, स्टोन तोड़ के लाते हैं ताकि मैं एक फर्नेस बना पाऊँ। बाय द वे, किस्मत देख रहे हो कितनी अच्छी है, सामने एक मस्त टेम्पल है। लेट्स गो, इसके अंदर बहुत सारी लूट मेरे को मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर कुछ शीप वगैरह, मैं आ रहा हूँ तुमसे खाना लूंगा मैं। फिलहाल मैं अभी एग को ना हैच करने के लिए लगाना, तो सबसे पहले मेरे लिए फर्नेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मुझे ढेर सारा स्टोन मिलना स्टार्ट हो गया, जितना भी है सारा, वैसे सारा नहीं चाहिए मेरे को, बस 8 स्टोन चाहिए। ऑल डन। तो अभी फिलहाल मैंने 8 से ज्यादा कलेक्ट कर लिया है क्योंकि सीधी सी बात है, अभी यहाँ पर इन सभी एनिमल्स को मार के अपना फूड भी इकट्ठा करना है, तो लगे हाथ एक्स एंड सॉर्ट भी बना लूंगा ना। डन, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। फटाफट से रखते हैं, ये बन गया अपना फर्नेस। फर्नेस को रखता हूँ यहाँ पे। अब एक चारकोल बनाने के लिए मुझे वुडन लॉक को यहाँ पे रखना है और फिर इसके अंदर मुझे डालनी है एक ये वुड। अब इससे अपना चारकोल बन जाएगा। जब तक ये बन रहा है मैं एक काम करता हूँ, स्टोन का एक्स एंड पिकेक्स बना लेता हूँ फटाफट से। ये रखा या स्टिक्स, एंड स्टिक्स को यहाँ पर रख के ये हो गया पिकेक्स और ये हो गया सॉल्ट। डन, तो काफी सारे टूल्स मेरे पास हो चुके हैं। बाय द वे, यहाँ से चारकोल भी बन चुका है। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा वुड यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती रहेगी अभी। ठीक है, तो मैंने ढेर सारे प्लैंक्स एंड स्टिक्स और बना लिया है। अब बारी है फर्नेस बनाने की। फर्नेस बनाने के लिए सबसे सेंटर में रखना है चारकोल, नीचे रखनी है 3 लॉक्स और साइड में रखनी है कुछ 3 स्टिक्स इस टाइप से। और ये बन चुका है अपना कैंप फायर। अब इस कैंप फायर को रखते हैं, वेट, पहले थोड़ा ना अगल बगल का एरिया क्लियर कर देते हैं। आखिरकार यहाँ पे एक ड्रैगन आने वाला है भाई इस एग से। तो एरिया क्लियर हो गया है, मैंने इस कैंप फायर को रख दिया यहाँ पर। इस कैंप फायर के ऊपर रखना है मुझे इस एग को और कुछ इस तरीके से राइट क्लिक करके इसको हैचिंग पे लगा देना। ये देखो कैसे चारों तरफ इसके स्मोक निकलना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा स्मोक कैंप फायर का भी है, बट ये जो व्हाइट स्मोक है, ओ वेट, ये पर्पल कलर में बदल रहा है और कुछ ही देर में ये अपने ना कलर चेंज करता रहेगा। मतलब कभी ब्लू होगा, कभी ग्रीन होगा, कभी ऑरेंज। फिलहाल देखते हैं अभी ये किस कलर में आने वाला है। ओह वेट, अभी ये ब्लैक ही है। नाइस, तो ये ग्रीन हो चुका है जैसा कि मैंने कहा था। बाय द वे गाइस, मुझे ना एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। मतलब अभी ये ग्रीन कलर का हुआ है, इसके बाद शायद से रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, काफी सारे कलर चेंज होने वाले हैं। बट जब ये ब्लैक कलर का हो जाएगा ना, तो उसका मतलब ये होगा कि अब अंडा फूटने वाला है और ड्रैगन बाहर आने वाला है। तो ड्रैगन के बाहर आने से पहले ना मेरे को ये वाली आग बुझानी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता बेचारा अपना ड्रैगन अंडे से बाहर आते ही इस कैंप फायर की आग में जल जाए। ठीक है, तो अभी ना इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। जब तक मैं काम करता हूँ, थोड़ा बहुत फूड इकट्ठा कर लेता हूँ अपने लिए। ओ, सामने भी काफी सारी काम मुझे नजर आ गई है, तो ये मेरे से बचने नहीं वाली। अभी जितने लोग दिख रहे हैं सब पिटिंग, हेलो बाय। ओ तेरी भाई साहब, बहुत ज्यादा ही मॉब्स हैं इधर। ओ हेलो बाय। ओए बच्चे कैसे, रुक, क्रिटिकल शॉट मारने के अलग मजे है भाई। सारे एनिमल्स मार दिए, ये बच गए, इसको छोड़ दो क्या। फिलहाल यहाँ पर काफी सारे वाटरमेलन्स भी हैं, तो इनको भी ले लेता हूँ। मतलब अगर ज्यादा फूड नहीं मिला तो इनसे काम चल जाता है। बाय द वे गाइस, देखो अभी ना मेरे फूड का काफी सही जुगाड़ हो चुका है। मैंने काफी सारे शीप्स एंड काउ मार दिए हैं, तो मैं इनको कुक करके अच्छे से खा लूंगा। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, अपना जो ड्रैगन है उसको खिला पिला के बड़ा करना है, तभी वो इन सभी मॉन्स्टर से लड़ पाएगा। लेकिन वो ये सब चिकन वगैरह नहीं खाने वाला, उसको चाहिए गन पाउडर, जो कि हमें मिलने वाला है क्रीपर को मार के। और क्रीपर एक ऐसी चीज है ना, अगर वो ब्लास्ट हो जाता है तो वो गन पाउडर नहीं देता, हमें उसे प्रॉपर किल करना होगा, जो कि थोड़ी सी टास्क वाली चीज है। फिलहाल यहाँ पर लावा है, तो मैं नेदर पोर्टल बना सकता हूँ, बट हाँ उसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत आयरन चाहिए होगा ताकि मैं आयरन बकेट भी बना पाऊँ। ड्रैगन को भी लेके चलेंगे यार नेदर में। ओह नाइस, और शिप मिल चुकी है। बाय द वे, हाँ गाइस, मुझे एक चीज याद रखनी है कि रात होते मेरे को क्रीपर्स मार के खूब सारा गन पाउडर इकट्ठा करना है। फिलहाल यहाँ पर एक काम और थी, इसको भी मार देते हैं और मैं चलता हूँ नीचे केव में। यहाँ पर एक मस्त केव है। ओ भाई साहब,
ये तो कुछ ज्यादा कह रही है। ठीक है जैसे भी हो, यहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत कोल मिल चुका है। सबसे पहले इकट्ठा करके ना मैं एक टॉर्च बना लेता हूँ। टॉर्च को रखते अपने साइड में ताकि थोड़ी बहुत रोशनी हो जाए, क्योंकि अगर कोई आया क्रीपर वगैरह तो वो दिखेगा नहीं। फिलहाल अभी जब तक ड्रैगन की हैचिंग का प्रोसेस चल रहा है, मैं यहाँ से ढेर सारा कोल एंड आयरन इकट्ठा करके अपने टूल्स कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे पूरे टाइम अपने ड्रैगन का ही ध्यान रखना है, तो मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। ये आयरन यहाँ से लेते हैं। इसकी एक एक आयरन मिल रहा है यार, ऐसा कब से होने लग गया भाई। टुकड़ों में मिलता था, खूब सारे पड़े रहते थे, बट नया ही सामान आ चुका है। और वेट, ये कैसा केव है यार, कुछ अलग ही तरीके से बना हुआ है। ऐसा लग रहा है किसी बंदे ने आकर बनाया। देखना कैसा मस्त ज़िगज़ैग रास्ता है। फिलहाल यहाँ से नीचे एक और रास्ता जा रहा है, चलते हैं फिर। कोल कोल आयरन आयरन आयरन, क्या रिवीन है क्या आगे? ये कैसी जगह है भाई? ओ नाइस आयरन भाई। कुछ कुछ केव ऐसी होती है, सच्ची में लगता नहीं है कि ये नेचुरली बनी है। देखना ऐसा लग रहा कोई बंदा ऐसा ब्लॉक तोड़ते हुए गया भाग के। अरे भैया अभी तो कसम से डर गया था, क्या हो गया यार, पागल हो क्या? इतनी सी जगह, उसमें कूद के आएंगे। देखना कैसा सा रास्ता है ये। यहाँ पर और कोला है, इसको भी मैं तोड़ लेता हूँ। फिलहाल अभी मुझे ना बहुत सारा फूड खाने की जरूरत है, बट मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, वाटरमेलन से काम चलाते हैं। वैसे भी मेरी हेल्थ फुली है, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ से मेरे को और आयरन मिल चुका है, लेट्स गो। तो भी मैंने ढेर सारा फूड इकट्ठा कर लिया है अपने लिए, और मैं वापस आ चुका हूँ ड्रैगन एग के पास। और वेट, ये ड्रैगन एग अभी रेड हो चुका है, वो शायद से थोड़ी देर में ब्लैक होने वाला है। और फिर इसमें से ओ मेरे को इसके लिए गन पाउडर चाहिए। और तुम लोग कहाँ आ रहे हो यार, तुम गन पाउडर देते हो? फैंस की इधर आइयो, निकल यहाँ से। ड्रैगन एग के पास कोई नहीं आएगा, ये वापस से ग्रीन हो चुका है, और शायद अभी थोड़ी देर में ये ब्लैक हो ही जाएगा। और मैं अब यहीं पर बैठने वाला हूँ ताकि यहाँ पर कोई आए ना। पता चला ड्रैगन जैसे जिंदा हुआ ये सारे उसको मारने लगते हैं और वो बेचारा मर जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। इसकी प्रोडक्शन के लिए मैं यहाँ पर हूँ। बाकी किस्मत यार थोड़ी सी खराब है, बेचारे को पैदा होती फूड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि क्रीपर नहीं मिल रहा। सारे मॉब मुझे दूर दूर तक दिख गए। वो रहा सामने एक मस्त क्रीपर है, भाग के चलता हूँ। इसको चुपचाप से मार के आना है, बस इसको अगर मैं मारा जाऊंगा ना सारे मॉब टूट पड़ेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। आजा क्रीपर तू। अरे वेट, पीछे हैं बहुत सारे क्रीपर, फूटे हो नहीं? अरे यार ये फूटेगा मेरे को लग रहा है। तेरी भैंस की, निकल यहाँ से। बच गया, इसी को मारूंगा बस। इधर आ, निकल, आ गया गन पाउडर। वहां पर देखो तीन क्रीपर लाइन से खड़े हैं भाई, या तो ये तीनों मुझे फोड़ के मार डालेंगे या तीनों फूट जाएंगे। बच गए, बाय। आराम से मारूंगा, ये लो। नहीं, किसी को फूटना नहीं है भाई, क्या मजा आ रहा है। तीन क्रीपर मारने में बच गया मैं। पीछे गैप बना के रखो प्लीज। अरे गया, हट, शायद से सारे गए। यार इतनी मेहनत करी थी तेरी भैंस की, निकल यहाँ से। अरे मारेगा क्या पागल, भाग यहाँ से भाई। सब डेढ़ एचपी कर दिया उसने वो डेढ़। यार तीन चार क्रीपर आ रहे थे, कितना सारा गन पाउडर मिलता है एक बार। ओ वेट, अभी भी थोड़ा सा मेरे को मिल गया यहाँ से, टोटल तीन गन पाउडर हो गया। चलो ठीक है, ड्रैगन पैदा होगा एटलीस्ट मैं उसको भूखा तो नहीं रखूंगा, कुछ तो खिला ही दूंगा। हेलो क्रीपर, मैं शायद ज्यादा पास चला गया क्या? वेट, बच गया। इसके क्रिटिकल शॉट मारूंगा और ले लिया गन पाउडर। वहां पे मुझे सामने एक क्रीपर और नजर आ रहा है, भाग के चलते हैं इसको भी पीटने के लिए। बस क्रीपर ब्लास्ट मत हो जाइए, क्योंकि तेरे को पता है मेरी एचपी ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा कम है। डन, क्रिटिकल शॉट ओपी। स्केली कहां से मार रहा है तू? तेरे तीर मैंने ओ आया तीर। अरे भैया कहां छुपा हुआ है? पेड़ के नीचे। इधर ऐसा शॉट मारूंगा ना। वेट, अरे डोज से बचता है, डोज से। यार तो मेरे पास ढेर सारा फूड है, पहले तो मैं इसको कुक होने के लिए रख देता हूँ। यहाँ पर ढेर सारा आयरन भी है, आयरन बाद में रखेंगे, पहले फूड इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ना थोड़ी सी जगह साफ करके मैं एक अपना मस्त बेड बना लेता हूँ। बाय द वे गाइस, ये जो है ये वापस से ब्लैक हो चुका है, और शायद इसमें से थोड़ी देर में ही ड्रैगन, बेबी ड्रैगन बाहर आने वाला है। चलो ठीक है, उसका वेट करते हैं। फिलहाल मेरे पास ढेर सारा फूड कुक हो चुका है, मैं इसको खा लेता हूँ। और थोड़े बहुत मेरे को टूल्स भी बनाने हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। यार मतलब इतना सब कुछ आयरन है मेरे पास, मैंने अभी तक कुछ बनाया नहीं इसका। आयरन स्मेल्ट करते हैं, मेरे को चेस्ट प्लेट वाटर बकेट बहुत कुछ चाहिए। बाय द वे मैंने एक काम करता हूँ, एक मस्त शवल बना के ना इसके नीचे की आग भी बुझा देता हूँ, तो क्योंकि मेरे को लगता है वो आने वाला है, तो मैं नहीं चाहता वो जले, तो इसको मैंने मस्त एकदम बुझा दिया है। अब मैं अपना आराम से यहाँ पर टेंशन फ्री बाकी सारा जो चीजें बनी है उसे बना सकता हूँ। ये बन जाएगी अपनी चेस्ट प्लेट। डन गाइस, तो अपनी चेस्ट प्लेट बन चुकी है और मैंने थोड़ा बहुत फूड अपने लिए कुक कर लिया। और एक सेकेंड, ड्रैगन जो है ड्रैगन एग से बाहर आ चुका है, लेट्स गो। और ये सच्ची में भी काफी ज्यादा छोटा और बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है यार। मतलब हाँ, क्यूट तो नहीं लग रहा, आखिरकार ये एक ड्रैगन बेबी है तो क्यूट कहां से ही लगेगा। अभी भी ये डेंजरस लग रहा है, और बेबी होने के हिसाब से ये सच्ची में काफी ज्यादा बड़ा है, पर थोड़ा बहुत ये छिपकली या फिर क्रोकोडाइल जैसा लग रहा है मेरे को। वेट, मैं इसको फूड खिलाता हूँ ताकि ये एटलीस्ट मेरा फ्रेंड बन जाए। देख भैया मेरे को मत मारियो, मेरे पास तेरे लिए फूड है, तेरा फेवरेट फूड, ये ले और खा। अबे गो, लेट्स गो, हर्ट्स बाहर आ गए। पूरे चार गन पाउडर खाए हैं भाई इसने मेरा दोस्त बनने के लिए। अब शायद से मेरी बात मानेगा, अगर मैं इसको बोलूंगा यहाँ पर बैठ जा तो ये बैठ जाएगा, अभी ये मेरे पीछे पीछे नहीं आने वाला। बट अगर मैं इसको बोलूंगा कि चल मेरे साथ, इसको उठने के लिए बोल दिया, अब चलते आ जा
अच्छा इधर उधर लेट्स गो, ये सारी बातें मानेगा मेरी, बट हाँ अभी इतना पावरफुल नहीं है। शायद अगर अभी हमारी किसी मॉब वगैरह से फाइट हो गई तो हम तो पिटेंगे, बट साथ के साथ ये भी बहुत ज्यादा बुरी तरह उससे पिटेगा। फिलहाल अभी हाँ मैं यहाँ से ढेर सारा फूड ले लेता हूँ और जल्दी से मैं फूड खा लेता हूँ। ये चिकन खाएगा, चिकन खाता है तू? वेट एक सेकेंड, ये देखो ये चिकन नहीं खाता यार, मैं इसे खिला ही नहीं पा रहा। मुझे इसके लिए गन पाउडर इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है आज मैं तेरे लिए ढेर सारा फूड इकट्ठा करूंगा। फिलहाल यहाँ से ढेर सारा सामान मैंने ले लिया, आई मीन जितना फूड था वो मैंने सारा का सारा कुक कर लिया। भाई इधर इधर, हाँ इधर आ जाओ, अब साथ साथ चलना है, मेरे साथ साथ आना है इधर। ओके मेरे को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बस चलता जा रहा हूँ, ये मेरे पीछे पीछे भाग के आता रहेगा। अभी ना गाइस देखो मेरे को नेदर जाना है, तो मैं ही सोच रहा हूँ कि क्या मुझे इसको ले जाना चाहिए या फिर नहीं। वैसे अगर देखो इसे मैं वहां ले गया और बाय चांस ये लावा वगैरह में गिर गया तो ये जल जाएगा, तो वहां पर इसे बचाना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल एक बार चल लेते हैं, पोर्टल में बना लेता हूँ। बाकी मेरे लिए तो यहाँ पर ढेर सारा फूड है जो कि मैं इकट्ठा करता जा रहा हूँ, बट तेरे लिए रात होने दे। बाय द वे गाइस मुझे अपने ड्रैगन को पावरफुल बनाने के लिए इसे फूड के साथ साथ फायर चार्ज खिलाना होगा। मतलब फायर चार्ज खिलाते ही ये अपने मुंह से घास की तरह फायर बॉल छोड़ेगा। बट फायर चार्ज बनाने के लिए मुझे ब्लेज चाहिए होगा और ब्लेज मिलेगा हमें नेदर फोर्ट्रेस में ब्लेज को मार के। ठीक है मतलब अब वहां पर जाना ही है, तो फिलहाल चलते ही है नेदर के लिए। मैं एक वाटर बकेट बना लेता हूँ, वाटर बकेट का यूज करके मैं लावा पूल के थ्रू एक नेदर पोर्टल बना लूंगा। फिलहाल ये रही क्राफ्टिंग टेबल, क्राफ्टिंग टेबल को मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, और मेरे पास जितना आयरन है उसको यूं रखना है, ये बन गई बकेट। और मेरे को एक हेलमेट बनाने लेना चाहिए और दो लेगिंग्स, मतलब एक लेगिंग मतलब एक बूट बना लेने चाहिए, और इन सबको मैं पहन लेता हूँ, अपनी सही प्रोडक्शन रहेगी। बकेट में मुझे पानी इकट्ठा करना है, तो ठीक है इसको यहाँ से तोड़ते हैं और अभी चलते हैं। वहां पर ढेर सारा पानी है, पानी खैर यहीं से मिल जाएगा, लावा पूल भी वहीं पर है तो मुझे भी वहीं पर जाना होगा। और कुछ ही देर में रात होने वाली है, टेंशन मत कर अब तेरे को खाना मिल जाएगा। बेचारे ने जब से पैदा हुआ है तब से बस चार गन पाउडर खा रखा है भूख के कारण मारा जा रहा होगा। ये शायद से ना थोड़ी थोड़ी देर में देखो बड़ा हो रहा है, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। जब ये पैदा हुआ था तब थोड़ा छोटा था, बट अभी शायद से इसकी थोड़ी सी लेंथ या फिर हाइट बड़ी है, दोनों ही बड़ी हो गई वैसे जरा जरा से मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ना गाइस अपने ड्रैगन को फुल ट्रेन करना होगा कि अगर किसी भी ज़ॉम्बी किसी मॉन्स्टर से मेरी फाइट हो तो ये मेरी हेल्प करे। जैसे ये दो लोग आ रहे हैं, इसको मारना है, इसको टारगेट है ये, उसको देखने कुछ पता ही नहीं चल रहा है। भाई मार दे, हाँ मार मार, नहीं मारा यार, मुझे लग रहा था वो मारने आ रहा है। मैं इसके भरोसे चार पांच बंदों से लड़ने आगे बैठा, निकालो स्पाइडर से तो वैसे डर नहीं लगता, हट वहां से हट। शायद यार अभी इसके अंदर ना दिमाग बहुत ज्यादा कम है अपने ड्रैगन के अंदर, तो इसे खिला पिला के सच्ची में बड़ा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कह रहे यहाँ पर ढेर सारे क्रीपर्स हैं। हेलो क्रीपर नंबर वन, वेट ब्लास्ट नहीं, ब्लास्ट नहीं, इधर आ, ले बस बस पीछे पीछे ब्लास्ट हो जाएगा वो। भाई वेट, इस टाइम पर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, मेरे को थोड़ा बहुत पीछे जाना होगा, काफी सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। मेरा टारगेट इस टाइम पर बस क्रीपर है, तो मैं बाकी सबसे दूर ही भागूंगा, बस मेरे को क्रीपर को मारना है अच्छे से। भाग ड्रैगन इधर आ जा, मरेंगे वरना हम सब पे है इसकी। ये जो क्रीपर ब्लास्ट हुआ ये ड्रैगन के बहुत ज्यादा क्लोज था यार। वेट ये वाला क्रीपर काफी दूर है और मैंने इसको मार दिया, गन पाउडर मिल चुका है, लेट्स गो। एक काम करता हूँ ऐसे ही मारता हूँ, भागते भागते जाऊंगा और यूं मार के बस दूर भाग जाऊंगा पहले, और फिर दोबारा से जाके यूं और यूं, लेट्स गो। और गन पाउडर आ गया और यहाँ पर एक क्रीपर और आया बट थोड़ा सा दूर, पहले स्केलेटन भाई साहब से निपट लेते हैं। ओ गया, मर गया। ओ तो सामने मुझे एक नहीं दो नहीं पूरे पांच क्रीपर नजर आ रहे हैं। वेट यहाँ से तो ढेर सारा गन पाउडर इकट्ठा हो जाएगा, बट पहले मुझे कुछ स्पाइडर वगैरह को निपटा देना चाहिए क्योंकि बीच में ना हरकत बहुत ज्यादा करेंगे। इधर आ तो पीछे, अरे यार यहाँ पर ना कुछ ज्यादा ही आ रहे, पांच हो जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बढ़िया एक जो खड़ा हुआ है ना इसको मारता हूँ बस मैं। इधर 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 भैंस की टांग, यहाँ तो मेरा ही फूड खत्म हो रहा है। ओके तो एक क्रीपर खुद चल के मेरे पास आ रहा है, क्रिटिकल शॉट खाने के लिए बजा दिया, अब दूसरे शॉट में ये खत्म, डन। क्रीपर क्रीपर वो रहा क्रीपर, अकेला खड़ा हुआ है ये भी क्रीपर। यार बेचारे ऐसे अकेले में क्यों स्पॉन होते हैं इतना ज्यादा, मतलब बाकी मॉब थोड़ा बहुत झुंड में रहते हैं बट क्रीपर कुछ अकेले में रहता है। यहाँ से भी गन पाउडर आ गया, एक क्रीपर के स्केलेटन आ रहे हैं भाई मेरे ऊपर। ओ तेरी भाई, वाह थैंक यू हेल्थ इसकी कम करने के लिए, दो गन पाउडर दिया है, अब तू भी पिट, निकल यहाँ से, ये निकल, लेट्स गो। मेरी एक्स भी टूट गई बाय द वे। अगला दिन हो चुका है, पहले मैं फूड खा लेता हूँ और अब मैं इसको फूड खिला देता हूँ। रुक जा भैया, रुको रुको रुको, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये लो खाओ इसको, बड़े हो जाओ, अरे बैठना नहीं है, खड़े हो जाओ पहले, इधर आओ, ये ले। वो ये देखो अभी इसका साइज बड़ा हुआ, वेट और अरे रुक जा बॉय, ये तो अचानक से काफी ज्यादा बड़ा हो गया, वेट इतनी डरावनी आवाज मत निकाल भाई, अरे रुक जा पेट भर गया क्या, ये ले और खा, और बड़ा हो गया भाई ये। अब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं इसे खिलाता जा रहा हूँ ना तुरंत बड़ा हो रहा है, वेट 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 और है, ले 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 ये भी खा ले, और लेट्स गो, ये भाई कैसे बढ़ रहा है ये भी खा,
और ये भी खा। वेट, एक लास्ट गन पाउडर पड़ा है, वो भी मैंने इसे खिला दिया। और शायद से भी इसका साइज एक एक्चुअल एंड्रॉइड ड्रैगन जितना हो चुका है। हो सकता है उससे थोड़ा सा छोटा होगा, बट हाँ ये अभी बहुत ज्यादा बड़ा है। मुझे टेस्ट करना है कि क्या ये अभी मेरे ओपोनेंट्स को मारेगा, मतलब जो भी मेरे को मारना चाहेंगे उनको मारेगा फिर नहीं। जैसे अगर मैं इसको मारता हूँ तो क्या तू इसे मारेगा? वैसे ये मेरे को नहीं नुकसान पहुंचा रहा, तो शायद से ये इसने मार दिया, इसने पिक को मार दिया। ओह भाई, अभी अभी अपने ड्रैगन बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है। अगर अभी किसी ने मेरे को मारने की कोशिश करी तो फिर अपना ड्रैगन उसकी बैंड बजाने वाला है, बहुत गलत। फिलहाल शायद अभी यहाँ पर बहुत जबरदस्त बारिश होने वाली है। आई थिंक को लग तो रहा है मौसम अचानक से खराब हुआ है। बाकी सामने एक बहुत बड़ा विलेज है, वहां पर चलते हैं, ढेर सारे फूड का जुगाड़ हो जाएगा। और यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज, मतलब इस तरफ बस मौसम बने हैं, बट असली बारिश विलेज के ऊपर हो रही है। और वो देखो सामने स्केलेटन, स्पाइडर, बहुत सारे लोग हैं। आ जाओ मेरे पास, अभी मेरा ड्रैगन है भाई साहब, इसको मारना है ड्रैगन भाई। और ये स्पाइडर को मारना है, इस वाली को मारना है, मैं बैठ के तमाशा देख रहा हूँ। उतरी भाई, इसको डैमेज बहुत ज्यादा है। इसको स्पाइडर को मार दे, मार दे, मार दे, मार दे, मार दे। अरे चल नहीं पा रहा यार, वो क्या हो गया, भूख लग रही है क्या? मारा मारा मारा, ये भी है, ये भी है, मार दे, बढ़िया। और इसको मारना क्रीपर, क्रीपर इसको मार। ओ, क्रीपर फूटियो मत। ओ भाई मार दिया क्रीपर। अब तो ये अपना खाना भाई खुद इकट्ठा कर सकता है, मेरे को इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खुद ही शायद से क्रीपर मार के गन पाउडर खा गया। ये स्केलेटन बेटा, स्केलेटन मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। और ले ले, अब बोल फालतू, अब बोल। ये ले, ये भी है भाई साहब, पीछे मारो इसको। या खत्म। अब मेरा फूड है काफी सारा सामने, तो इनको तो मैं ही मारने वाला हूँ। बाकी यहाँ ऐसे टारगेट बना दूंगा तो अपने ड्रैगन भी इन्हें लपेट देगा, मेरे को पूरा किल करने की जरूरत नहीं है। मैं ड्रैगन का काम आसान कर देता हूँ इसको मार के। ये एक लास्ट क्रीपर बचा हुआ है, इसको भी लपेट देते हैं। ले भाई तू मार ले, ले ले, इसके पड़ेगी ना भी देखना। चल निकल यहाँ से। ठीक है यार, अभी काफी सारे इन ज़ॉम्बीज वगैरह को मैंने मार दिया, चल के वाला विलेज लूटते हैं। काश मुझे एक सैडल मिल जाए। बाकी अगर देखा जाए विलेज बहुत ज्यादा बड़ा है, दूर दूर तक मुझे घर ही नजर आ रहे हैं, तो पक्का यहाँ पर मुझे कोई मस्त लूट मिल जाएगी। और वेट, यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है। इसको मार दो ड्रैगन भाई साहब, और इसको भी। चलता हूँ मैं एक बार इस वाले हट के अंदर, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है यार, कितने सारे घर है बट चेस्ट भाई। वेट, अब जाकर मुझे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर थोड़ा बहुत फूड था। और रुक जाओ, ए उड़ने लग, उरे भाई ये उड़ने लग गया है। इधर इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये क्रीपर है, क्रीपर को मार दे, ले फूड भी मिल जाएगा तेरे को, आराम से मार उसे। बाकी एक ये वाला हट है, इसके अंदर यहाँ पर भी चेस्ट नहीं है। क्या सीन चल रहा है यार, चेस्ट कहाँ गायब भाई? वेट, हर घर में बस बच्चे हैं, चेस्ट नहीं है। एक बारी मैं ये वाले हट के अंदर चल के देखता हूँ, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। क्रीपर, क्रीपर ये रहा, ये ले इसको मार और खाना खा के बड़े हो जाओ। एक बार इस वाले हट के अंदर चल के देखता हूँ, यहाँ पर भी एक भी चेस्ट नहीं है। वेट, यहाँ पर, ओह तो लेट्स गो, तो हमें सैडल मिल चुका है, डन भाई। मैं थोड़ा बहुत और गोल्डन नगेट्स भी है, ये भी ले लेता हूँ। बाकी अब बारी आ चुकी है इसको सैडल पहनाने की। इधर आ जा भाई ड्रैगन, ये ले भाई तू अपना सैडल पहनने से पहले थोड़ा बहुत फूड और खा ले और बड़ा हो जा। उरे भाई साहब क्या मारा इसने उसको भाई, अभी बहुत पावरफुल हो चुका है। ले और खा यार, सच्ची में अभी ये बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, मतलब ये गोलम वगैरह को एक मिनट में निपटा देगा मेरे हिसाब से। ले भैया इसको मारना। अरे अरे गोलम मेरे को मत मार भाई। अब मेरा ड्रैगन मेरे को बचा लेगा, मार इसको, मार पकड़ के। ओए गया गया गया। वेट यार, गोलम बहुत पावरफुल होते हैं यार, फिर भी ड्रैगन को टाइम लग गया मारने में। ले गन पाउडर का और बड़े होते जा। लास्ट गन पाउडर था वो भी मैंने इसको खिला दिया, और अभी इसका साइज बहुत ज्यादा बड़े हो चुका है। मेरे को ट्राई करना है, अगर मैं इसको ये सैडल पहनाता हूँ तो क्या मैं इसकी राइड यस, हम लोग इसकी राइड कर रहे हैं भाई इस टाइम पर। ये देखो मैं ड्रैगन के ऊपर आ चुका हूँ। यह अगर मेरे को उड़ना है तो मेरे को कुछ इस तरीके से उड़। ओह वेट, अभी तो बिल्कुल राजा वाली फील आ रही है भाई इस ड्रैगन के ऊपर राइड करके। यार ये तो सच्ची में काफी ज्यादा तगड़ा हो गया। अगर अभी मैं कहीं पर भी जाना चाहता हूँ तो मैं इस ड्रैगन के ऊपर बैठ के कुछ इस तरीके से फुल स्पीड में जाने वाला हूँ। बट गाइस अभी ना पता है प्रॉब्लम क्या है, कि अपना ये जो ड्रैगन है ना, ये एंड्रॉइड ड्रैगन से नहीं लड़ सकता, क्योंकि एंड्रॉइड ड्रैगन के पास एक वो जो बॉल मारता है ना वाली एबिलिटी है, और अपने ड्रैगन के पास कोई ऐसे उड़ के अटैक करने वाली कोई पावर नहीं है। फिलहाल नीचे मेरे को एक लावा पूल मिल चुका है, मैं अपने ड्रैगन को ना यहीं पर लैंड करा देता हूँ। आराम से आराम से। अरे भाई इतना बड़ा हो चुका है कि जगह भी नहीं हो रही है इसको बिठाने की। ये जगह ठीक है, मैं यहीं पर उतर जाता हूँ। रुक जा, तू यहाँ पर बैठे रह, रेस्ट कर, मैं नेदर से आता हूँ तेरे लिए फायर चार्ज लेकर। अगर इसको फायर चार्ज खिला दिया और एक पोशन है वो पिला दिया, तो फिर ये फायर बोल तो फेंकेगा ही फेंकेगा, बट साथ के साथ जो बोल एंड्रॉइड ड्रैगन फेंकता है ये वो भी करने वाला है। इसकी टेल देखो यार कैसे घूम के आ रही है। लेट्स गो, ये मेरे को लग रहा है उस ड्रैगन से बड़ा हो चुका है। चलते हैं यहाँ से पोर्टल में ना के नेदर में, और फायर चार्ज मिल जाए प्लीज। अरे यार काश यहाँ फायर चार्ज होता। फायर चार्ज तो नहीं, दो ऑब्सीडियन है, ये ले लेता हूँ।
और गोल्डन नगेट्स हैं, इससे मेरे गोल्ड के बूट्स तो नहीं बन पाएंगे। ओ वेट, क्यों नहीं बनेंगे, पीछे पूरा गोल्ड ब्लॉक है। यहाँ पर लगाता हूँ कोबलस्टोन और इसको मैं तोड़ लेता हूँ। बट वेट, स्टोन पिकैक्स नहीं, पहले यार मैं आयरन पिकैक्स बना लेता हूँ। क्यों नहीं बनाई मैंने, क्राफ्टिंग टेबल रखा यहाँ पे। और मेरे को चाहिए स्टिक, 3 स्टिक पड़ी है, बट मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टिक बना ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक स्वॉर्ड भी बनानी है अभी। फिलहाल एक पिकैक्स बना लेते हैं पहले तो, और मेरे को इस आयरन पिकैक्स से ये वाला, अरे 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 मैग्मा, वेट मैग्मा जला रहे भाई, लेट्स गो। तो ढेर सारा गोल्ड आ चुका है, इस गोल्ड को रखते हैं यहाँ पर और ये बन गए गोल्डन इंगट्स। गोल्ड की ना लेगिंग बना लेता हूँ, सबसे बेस्ट यही रहेगी। तो ये हो गया अपना, और यहाँ पर बाकी गोल्ड डाल लेता हूँ। 3 गोल्ड मेरे पास एक्स्ट्रा है तो टेम्पररी मैं एक गोल्ड स्वॉर्ड बना सकता हूँ। एक्स मेरे पास एक भी नहीं है और आयरन भी नहीं है, तो मैं स्टोन का एक्स बना लेता हूँ क्योंकि मैं नेदर जा रहा हूँ, तो वहां से मुझे अच्छी खासी लूट मिल ही जाएगी। बाकी यहाँ पर आधे से ज्यादा पोर्टल तो ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे आगे का बनाना है। यार जितना भी मेरे पास फालतू का सामान है ना, मैं सारा का सारा इसके अंदर फेंक रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, और इन्वेंट्री का स्लॉट काली पीली बढ़ा रहे हैं। तो जितना भी फूड आइटम है वो मैंने सारा का सारा एक कोने में रख दिया है। पहले मैं फूड खा के अपनी थोड़ी बहुत हेल्थ बढ़ा लेता हूँ क्योंकि रात का टाइम है, कोई भी ज़ॉम्बी क्रीपर स्केलेटन कभी भी टपक पड़ सकते हैं। बाकी यहाँ मुझे ना पोर्टल थोड़ा बहुत सोच समझ के बनाना होगा, मतलब लावा पूल नहीं खराब होना चाहिए। और यहाँ पर आधा पोर्टल बना हुआ है तो ज्यादा मेहनत नहीं है। सबसे पहले यहाँ से ना हल्का सा लावा निकाल के मैं इधर डाल देता हूँ, और अब मुझे क्या करना है, एक ब्लॉक इधर लगा और एक लगा देते हैं इधर। अभी अपना ये जो बेस है वो कंप्लीट हो चुका है, बाकी एक्स्ट्रा ब्लॉक्स कुछ है फालतू के से हटाता हूँ। वेट क्रीपर भाई सब आ रहे, आ जाओ मेरे ड्रैगन को फूड खाना है, ये निकल यहाँ से पीछे हो। अरे 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 वाओ, पानी में फूटा और फूटने पे गन पाउडर नहीं मिलता। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले तो यहाँ से थोड़ी बहुत डर्ट ले लेता हूँ, ये अपने पोर्टल बनाने में हेल्प करेगी। मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से लेना है लावा, लावा को डालना है, वेट वेट वेट, लावा को डालना है इधर, और यहाँ से पानी लेके इसके बगल में ये लग गया ऑब्सीडियन, इसको वापस रखते हैं, यहाँ से एक्स्ट्रा लावा लेते हैं। आई नो थोड़ा सा लॉन्ग कट तरीका है, बट इसमें मेरे को डर नहीं है कि लावा पुल मेरा वेस्ट होएगा। चलो गाइस सारा काम हो चुका है, फटाफट मैं यहाँ से लावा कैरी करके डालता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से पानी लेके डालना है इधर, डन, पूरा पोर्टल बन चुका है। एक काम कर, अरे भाई यहाँ पर तो ज़ॉम्बी मेरा वेट कर रहे हैं, वेट इधर आओ, ये लो। चलो यहाँ पर ज़ॉम्बीज जो आए थे उनको मैंने निपटा दिया, चेस्ट में फ्लिंट एंड स्टील, और यार यहाँ गोल्डन सॉर्ड था तो वो भी स्माइट 2 वाला, मैंने नया क्यों बनाया, पता नहीं यार मैं भी ना फ्लो फ्लो में चीजें मिस कर देता हूँ। खैर ठीक है, ये रही फ्लिंट एंड स्टील, यहाँ पर लगाते हैं और चलते हैं पोर्टल में, लेट्स गो। अब तो मैं आ चुका हूँ नेदर में, और अपनी एंट्री एक ऐसी जगह से हुई है कि मैं ड्रैगन को ला सकता था यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट ठीक है यार, बाय चांस अगर वो गलती से लावा वगैरह में गिर जाए तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना। फिलहाल पीछे रेड बायो में, यानी हो सकता है आसपास पोर्टल हो। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा बहुत आराम से सोच समझ के नीचे कूदना है, वैसे डैमेज जाने वाला गंदा। और अगर देखा जाए मेरे पास कुक्ड फूड ज्यादा नहीं है, कुछ ब्रेड्स हैं तो काम चल भी सकता है और नहीं भी। वेट यार, इतनी जल्दबाजी क्या है, मैं आराम आराम से भी उतर सकता हूँ नीचे, यहाँ पर काफी ज्यादा ठीक ठाक रास्ता है। चलते हैं फिर रेड बायो में, और ये ले 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 ले, मेरे को मारेगा तू, ये ले। बाकी सामने यहाँ पर कुछ पिगलिंस है जो कि मेरे को कुछ नहीं कहने वाले क्योंकि मेरे पास गोल्डन लेगिंग्स है, ले तेरे लिए भी गोल्ड लाया हूँ। हेलो भाई साहब, हाँ ये लो, देखते हैं क्या देता है, कुछ ढंग का दे दे प्लीज यार, आज जरूरत है बहुत ज्यादा, दे 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 प्लीज। अरे भाई क्या दिया, फिश दी है। ठीक यार, मैं फिलहाल अभी इस रेड बायो में घूम रहा हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं कि फोर्ट्रेस मुझे मिलने भी वाला है या फिर नहीं, क्योंकि मैं ना एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ और ये जो बायो में ना ये एंड होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब मैं भटक चुका हूँ, मेरे को सही में नहीं याद मैं किस डायरेक्शन से आया था। बाकी तुम, अरे वेट, नीचे मत गिरा दियो भाई, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ से भाग के इधर आ जाऊँ और फिर इधर चले जाऊँ तो शायद वो यहाँ पर आ जाएगा। पीछे रह, पीछे रह, मेरे को जाने दे भाई साहब, इनसे अभी मैं पंगे नहीं लेने वाला, फूड वैसे ही बहुत कम है तो मेरे को अपनी हेल्थ ना बेमतलब कम नहीं करवानी मेरी स्पीड। वेट वेट, ये इससे डरते हैं, आजा ले ले, आजा है दम। अबे ये नहीं डरते शायद से, पिगलिंस डरते हैं इससे, ब्लू फायर से पिगलिन डरते हैं ना कि ये। और वेट, आगे का रास्ता थोड़ा बहुत, अरे रुक जा भैया, रुक जा, ये मारेगा आज मेरे को, आज इससे मेरे को सबसे ज्यादा डर लग रहा है। बाकी अच्छी बात यह कि इसकी स्पीड ना काफी कम हो, अरे इधर आ, ले निकल यहाँ से, निकल, मर कैसे नहीं रहा तू, अबे बहुत ज्यादा एचपी होगी इसकी आजकल। वेट हाँ, मेरे को उसे जलाना चाहिए था, मैं भी क्या कर रहा हूँ। बट ठीक है, उसने ठीक ठाक फूड मेरे को दे दिया, कच्चा करके खा लेंगे। बाकी यार ये तो ओए भाई साहब, काफी ज्यादा नीचे है, वैसे यहाँ पर आगे रास्ता है तो मेरे पास ब्लॉक्स के नाम पर वो फायर चार्ज कहाँ से मिला मेरे को, मेरे को यही तो चाहिए था अपने ड्रैगन के लिए। मेरे को नहीं आइडिया फायर चार्ज मेरे को कब में और कहां से मिला, वो शायद उस पिगलिन ने, नहीं यार उस पिगलिन ने मैंने अच्छे से देखा था, उसने मेरे को फिश ट्रेड करी थी। यहाँ से ना ढेर सारे नेदर एक्स ले लेता हूँ, इसी को लगा लगा के आगे बढ़ूंगा। मतलब देखो यार, सिंपल सा फंडा, अगर फोर्ट्रेस ढूंढना है ना तो हमें एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, वरना फिर हम खुद ही भटक जाएंगे तो हमें फोर्ट्रेस कहां से मिलेगा। लेट्स गो, तो यहां से मैं ब्लॉक्स लगाता हुआ आगे बढ़ता हूं, कुछ ब्लॉक इधर भी लगाने हैं। और वेट, मतलब यार देखो, फोर्ट्रेस ढूंढना है ना तो एक ही फंडा है कि हमें बस एक ही डायरेक्शन में बढ़ते जाना है, क्योंकि सीधी सी बात है, अलग अलग जगह जाएंगे तो हम लोग खुद ही भटक
जंगल में लेट्स गो। हमें फोर्ट्रेस मिल चुका है, सामने ही फोर्ट्रेस है और वहां पर बहुत सारी ब्लेज है, मुझे इन्हीं को मारकर ब्लेज इकट्ठा करना है। चलो अपना काम हो चुका है, मैं आ रहा हूँ भाग के इन सबसे पंगे लेने। वैसे हाँ यार ध्यान से पंगे लेने, ज्यादा फूड भी नहीं है तो अपनी ही बैंड भी बच सकती है, पर टेंशन भी नहीं है, मेरे पास फर्नेस एंड कोल है तो मैं पका सकता हूँ। मेरे पास जितना भी फूड है और घास अभी मजे नहीं, अब मैं जा रहा हूँ नीचे, तू अपना ऊपर ही रहे। हेलो पिगलिंस, तू मेरे को कुछ नहीं कहने वाले, गुड। ओ ओ ओ फाइनली हम लोग फोर्ट्रेस में आ चुके हैं। और इधर आओ ब्लेज भाई, इधर आओ। हैस की टांग, अभी तो मैं एंटर नहीं हुआ, तूने पहले मारना शुरू करा है मेरे को। ओरे मार दिया, मार ले, प्लेस मेरे को मिल चुका है शायद। यप, तो गाइस देखो जैसी मेरी प्लानिंग है ना, मेरे को वैसे ही करना चाहिए। मेरे पास ये जो फर्नेस है ना, इसको निकाल के मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसके अंदर डाल देते हैं कोल और ढेर सारा फूड। वेट, मेरे पास ज्यादा ये है, ये रखते हैं। अब जब ये पक जाएगा तो फिर अपने पास फूड की कमी नहीं रहेगी। ओ तेरी भाई, ओ तेरी, ये भी लड़ जाते हैं आपस में। है लड़ते तो सारे ही हैं, बट हाँ कुछ कुछ होते हैं नूब से। देखना ये नीचे खड़े होंगे पागल, भाई तुम नहीं आ सकते यहाँ से ऊपर। देखो इनको, देखो जरा कहाँ पर गया। अरे ये तो आपस में लड़ रहे हैं। ओ भाई, ओए पीछे हो, पीछे हो। गया स्कल दिएगा, स्कल तो नहीं दे दिया, नहीं दिया। मैं आजकल तो डर रहता है कि अचानक से एक बार में ही ना दे दे। दो बार हो गया मेरे साथ ऐसा कि एक विदर मारा और स्कल सीधा हाथ में। सामने ये वाली ब्लेज बहुत ज्यादा फालतू बोल रही है, इसकी भैंस की बैंड बजा कर। तू तू नीचे निकल, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ऊपर ऊपर मत भागियो, ऊपर नहीं भागना। वेट, ये ले, ये ले, ये ले। अब प्लेस मेरे को दे दे दी। चलो फिलहाल ये तो अपना कुक होते रहेगा, अभी फटाफट से मैं भाग के चलता हूँ नेदर को लूटने के लिए। मतलब मेन टारगेट मेरा लूटना नहीं है, मेन तो यही है कि मेरे को ब्लेज को मार के ब्लेज इकट्ठी करनी है, फिर एंडर मैन को मार के ढेर सारी एंडर पर्ल इकट्ठी करनी है। बिकॉज इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं एंडर ड्रैगन के पास गेम को एंड करने के लिए। बट वेट, यहाँ पर तो मेरे को कोई भी ब्लेज का स्पॉनर ही नहीं मिल रहा यार, कैसा घटिया फोर्ट्रेस है यार। बस मैं घूमता जा रहा हूँ और रास्ते आते ही जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर शायद रास्ते बंद है, यहाँ पर भी तीन चार रास्ते जा रहे हैं और ये फोर्ट्रेस यार एंडलेस है क्या, खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब हर जगह मैं जाए जा रहा हूँ, फिर वहाँ चार रास्ते आ रहे हैं। ये देखो ये वाला रास्ता ऊपर, ऊपर तो शायद नहीं होगा कुछ भी। इस तरफ चल के देखता हूँ, काश ये वाला रास्ता एंडलेस ना हो। भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे मैं टेंपल रन खेल रहा हूँ और बस कूद के मैं भागते जा रहा हूँ, भागते जा रहा हूँ, भागते जा रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा भाई। रास्ते इतने बड़े बड़े है यहाँ पर। वेट, अरे ये क्या है भाई, ये कैसा फोर्ट्रेस है। एक जी, मैं इतना ज्यादा लंबा रास्ता भाग के वहां तक पहुंचा और वहां जाके देखा कि तीन रास्ते और हैं और तीनों बंद है। यार ये गलत सीन है भाई, मैं भूल गया मैं कहां से आया था, शायद मैं इस रास्ते से आया था। सारे रास्ते एंडलेस दिख रहे हैं मेरे को यहाँ। यार वही वाली जगह सही थी जहां पर मैं आया था सबसे पहले, वहां पर फिर भी मेरे को थोड़ी बहुत ब्लेज मिल गई थी। शायद से स्पॉनर भी आसपास ही होगा, बस मेरे को वो ढूंढना है और अपना काम हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है पेड़ अंदर, ये रहा फर्नेस, सारा फूड कुक हो चुका है। इसके अंदर मैं दूसरा फूड डाल देता हूँ, ये अपना कुक होते रहेगा जब तक मैं चलता हूँ इस वाली साइड पे। ओके, मेरे को ऊपर विदर स्केलेटन की आवाज तो आ रही है बट दिख नहीं रहा। यहाँ पर एक चेस्ट है, इस चेस्ट के अंदर से फ्लिंट एंड स्टील या कोई नहीं ले लेते हैं, पुराना वाला यहाँ रख देते हैं और बाकी लो भैया फोर्ट्रेस खत्म। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं फोर्ट्रेस के टॉप फ्लोर पे घूम रहा हूँ, असली लूट नीचे ग्राउंड वाले फ्लोर पे है और उसकी सीढ़ियां 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 प्लीज यहाँ से नहीं है, यहाँ से होगी, यहाँ से होगी और यहीं से तो मैं घूम के गया था शायद। पता नहीं यार कैसा भूल भुलैया ऐसा फोर्ट्रेस। ओ ये रहा नीचे जाने का रास्ता, अब शायद से हमें सामान मिले। ओ थ्री, तीन डायमंड, एक भी नहीं सीधा तीन, लेट्स गो। अब तो एक सॉर्ड प्यार से बन जाएगी, मैं एक्स भी बना सकता हूँ। ये क्या हो रहा है भाई, 6 डायमंड, एक सेकेंड, अब क्या बस डायमंड ही डायमंड मिलते रहेंगे। इस वाले रास्ते पे चलकर देखता हूँ। खैर ये तो मेरे को बेकार रास्ता लग रहा है और सचमुच में ये बेकार रास्ता है। गाइस देखो ये वाला फोर्ट्रेस यहाँ पर एंड हो गया है बट सामने एक फोर्ट्रेस और मुझे नजर आ रहा है भाई। या तो ये वाला फोर्ट्रेस वहां तक गया हुआ है या फिर कोई वो दूसरा फोर्ट्रेस है जो कि बहुत ज्यादा पास में है। यार पहली बार ऐसा हो रहा है कि फोर्ट्रेस में ब्लेज मिल ही नहीं रही है। सचमुच में यार ये वाला फोर्ट्रेस बहुत ज्यादा बड़ा है और ब्लेज तो मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। और एक स्केलेटन मेरे पीछे अलग पड़ गया। वेट वेट वेट, इससे भाग के जाना होगा। तू ऊपर नहीं आएगा, तू नहीं आएगा ऊपर, मैं आने नहीं दूंगा, आने नहीं दूंगा तेरे को मैं। गया बेचारा। बाकी ठीक है, यहाँ पर एक रास्ता और जा रहा है और वेट फाइनली अब जाकर मुझे एक ब्लेज स्पॉनर मिल गया। बट इसमें से भी ब्लेज क्यों नहीं स्पॉन हो रही है, क्या जगह थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी तब होगी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार बिल्कुल भी। ब्लेज आ जा, आ गई आ गई आ गई, एक ब्लेज आई, एक नहीं दो दो ब्लेज आ गई भाई सीधा। अरे मारेंगी यार ये तो, भैंस की, मेरे को मारोगे, मेरे को मारोगे, ले 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 निकल यहां से। अब ब्लेज की कोई कमी नहीं, अरे भैंस की दो ब्लेज मारी, दोनों ने ब्लेज स्पॉन नहीं थी। ओके ओके ओके, एक नई ब्लेज स्पॉन हुई है यहाँ पर ताजी ताजी। मारा मारा, अब इसकी बारी, अब तू पिटे, निकल यहाँ से। और मेरी स्वॉर्ड भी गई, इन कांग्रेचुलेशंस, इसने भी हमें ब्लेज नहीं दी है। एक सेकंड, तुम्हारी भैंस की टांग ये कहाँ? अब ये पिटी, अब इनके मैं बैंड बजाऊंगा। पहले क्राफ्टिंग टेबल दो इधर, ये रखा यहाँ पे। और पहले अब कुछ स्टिक बनाता हूँ, ये बना ली मैंने चार स्टिक और एक स्टिक रखी यहाँ पर। अब बनेगी सीधा डायमंड स्वॉर्ड और दो स्टिक इधर रखी, अब बनेगी सीधा डायमंड की एक्स। जला लो जला लो मेरे को। अरे वाह कच्चा निशाना, मैं तो अपना क्राफ्टिंग में बिजी था और तुम्हारा निशाना इतना कच्चा है कि मेरे को मार ही नहीं पाए। मार 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 ऐसे,
ओ भाई साहब चार चार स्पॉन हो गई। अभी या तो मेरी ही बैंड बजेगी या फिर मैं ही इनकी बैंड बजा डालूंगा। निकल यहाँ से जान, इसने ब्लेज रोड दी। फूड खा करना, एचपी बस फुल रखनी है और बस इनसे लड़ते जाना है और अपना काम हो जाएगा। यार मैं अभी तक ना कम से कम 20 ब्लेज मार चुका हूँ, बट पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि जितनी भी ब्लेज हैं ये ब्लेज रोड्स बहुत कम ड्रॉप कर रही है। मतलब 3 मार रहा हूँ तो 1 मिल रही है। आ जाओ ले ले इधर, ये ले। मेरे पास टोटल 8 ब्लेज रोड इकट्ठी हो चुकी है, 10 इकट्ठी कर लेता हूँ बहुत रहेगी। बाकी लो यहाँ पर एक और आई थी उसने भी दे दिया, अब आप सही मिल रहा है। चल भाई जल्दी से एक लास्ट ब्लेज स्पॉन हो जा। नहीं हो गई, और इसके भी मारा शॉट और इसने ब्लेज रोड दे दी। बहुत है भाई, 10 से मैं टोटल 20 आईओ फेंडर बना सकता हूँ, अपना काम हो जाएगा। इसको तोड़कर अब वापस चलते। अरे क्राफ्टिंग टेबल आ जाए यार, और ये फालतू की चीजों को थोड़ा बहुत साइड फेंक देते हैं। और यार जाते जाते 2 और स्पॉन हो गई। लो फिर तुम भी पिटो भाई, पिटोगे तो सारे जितने दिख रहे हो। चलो भाई जाते जाते इन्होंने मेरे को शायद से 1 और एक्स्ट्रा दे दी। ठीक है अब अपना काम हो चुका है, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कुछ एंडरमैन को मार के एंडर पर्ल इकट्ठी करनी है। और वेट ये क्या देख रहा हूँ मैं, एक सेकेंड ये तो कुछ अच्छा जी मेरे से पंगे, इधर आना जरा। आजा 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 मारो जरा, ये लो मार रहे हो। अरे मारा मारा ले ले। अभी इनको बताता हूँ कि मैं इनका क्या बिगाड़ सकता हूँ। आओ तो तुम इधर तो आओ, पास आके लड़ो यार। हर बदतमीज से पास ही नहीं आ रहे। अब पड़े इनके रख रख के मारूंगा। ले निकल यहाँ से, पहले वेट 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 कवर बनाना जरूरी है। अभी ठीक है, इनको मारना गाइस बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले इनको अटैक करने दो, फिर कूद कूद के इन्हीं के बजाओ। हेलो आ जाओ, कर लिया अटैक। अब तुम्हारी पैंट, अरे अरे वेट बचे थे अटैक इनके। 1 2 निकल और निकल यहाँ से। और इसकी बारी, ये तो पूरा पिटेगी। चलो बाय बाय मेरे पास। देखो 3 मारे 1 ब्लेज। चलो तो अभी मेरे को ये मस्त एंडरमैन वाला बायोम भी मिल चुका है। यहाँ पे भर भर के एंडरमैन स्पॉन होंगे। फिलहाल मुझे लग रहा था ये जगह ढूंढने में काफी टाइम जा सकता है, बट नहीं, ये दोनों रेड एंड ब्लू बायोम आसपास ही होती है मैक्सिमम टाइम। फिलहाल मैं यहाँ पर आ तो चुका हूँ, बट मेरे को कोई भी एंडरमैन नहीं। ओ वेट, आते ही मेरे को एंडरमैन मिल चुका है। हेलो सर आ जाओ, इसको पहले तो होल्ड करा लेता हूँ। और इसी, अरे रुक जा, पानी है मेरे पास, भले ही तू नेदर में हो, वैसे मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा अपने पानी से। डन, पहले नहीं हमें एंडर पर्ल दे दिया, लेट्स गो। यार उसने काफी ज्यादा डैमेज कर दिया, ऐसी बात नहीं है। मेरे को ना थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी, एक जगह बना ही लूँ क्या, 31 ब्लॉक्स हैं, ईजी रहेगा, बना लेता हूँ। मतलब फूड नहीं वेस्ट होगा यार मेरे लिए, क्योंकि अभी एंडर ड्रैगन से लड़ने जाना है तो अलग से फूड नहीं इकट्ठा करूंगा मैं। अब जितने भी एंडरमैन है उनको मैं यहीं से बुला लेता हूँ ऐसे करके। अब मैं भाग जाता हूँ इसके नीचे। आ जाओ भाई आ जाओ, बस ये ले। आजा 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 आजा, निकल यहाँ से निकल। अरे यार पीछे क्यों जा रहा है इतना, पिट जल्दी जल्दी। ये ले भाई साहब, इसने आधे पत्ती उठा रखी है, पत्ती देगा, मेरे को लग ही रहा था एंडर पर्ल नहीं दी उसने। और कोई एंडरमैन है क्या आसपास, वैसे मेरे को उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसको यहीं से उसके ऊपर एम करके बुला सकता हूँ। बट हाँ अगर दिख ही नहीं रहा तो थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा। अरे यार क्या बात होगी, दूर दूर तक एक भी एंडरमैन नहीं नजर आ रहा यार, कैसी सुनसान सी हो रखी यार ये वाली बायोम। मतलब मैं काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर चुका हूँ, पीछे से लेकर मैं दूसरी साइड पर आ गया हूँ, बट एक भी एंडरमैन नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। उल्टा एक तो ये लावा यहाँ पर नहीं हुआ करता था, पता नहीं कहाँ कहाँ से बह कर आ रहा है। बाकी वो देखो एक एंडरमैन मेरे को दिख चुका है, उसको मैं यहाँ पर बुलाता हूँ, बट पहले फूड वेस्ट ना हो इसलिए जगह बना लेते हैं। ओके डन, तो जगह मस्त बन चुकी है। हेलो एंडरमैन, वो रहा ये देखो, ये रहा यहाँ से। ओ इतनी ज्यादा रेंज नहीं होती क्या, मेरे पास वो भी तो नहीं है जो फेंक के मार दूं, शायद अब मेरे को उसके पास ही जाना होगा। ठीक है फिर चलते हैं बिना किसी देरी के उसके पास। अरे भैंस की, बट वेट यार वो सचिन बहुत ज्यादा दूर है, वहां तक मैं जाऊंगा। अरे भाई कसम से इतनी ज्यादा पता नहीं क्या आग लगी, पूरा 1 HP होकर बचा हूं मैं, ऐसी की तैसी इस लावा ने जलाया मेरे को, उसको बंद ही कर दूंगा मैं। भैंस की टांग, इतनी ज्यादा कम HP करा दी। ठीक है तो मैंने यहाँ से थोड़े बहुत और नेदर रैक्स इकट्ठे कर लिए, क्योंकि वो वाले मैंने पीछे यूज कर लिए थे। बाकी मुझे अपना टारगेट यहाँ पर मिल चुका है, तो फटाफट से उसको मैं बुला लेता हूँ अपने पास। हेलो एंडरमैन आजा, इधर इधर इधर, ओ शायद से ओ आगे 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 आगे, ये ले आजा एंडर एंडरपल दे दियो बस यार, चुपचाप से, कसम से बहुत ज्यादा कमी हो रही है इस टाइम पे। ले इसके 2 शॉट मारूंगा सीधा, आजा। ओ लेट्स गो, 2 हो चुकी है, मुझे इस टाइम पर 14 तो मिनिमम कलेक्ट करनी है। ओके तो अपना नेक्स्ट, ओ नेक्स्ट 2 टारगेट मुझे मिल चुके हैं, इसको और उसको मैं बुला कर। अरे यार मैं उस जगह पर नहीं गया था और ये इस टाइम पर बराबरी का मुकाबला नहीं, देख ले। आजा आजा आजा, ले पंगे ले, भैंस की बदमाशी करेगा। एक सेकेंड, इसके 1 शॉट 2 शॉट और ढेर, और उसने भी दे दिया एंडर पर्ल। एक दूर भी मेरे को नजर आया था, बट अभी वो यहाँ से गायब हो चुका है। मेरे को फिर से ओ आया आया, दिखा दिखा दिखा, ओ गया मैं। वेट ये टॉर्च क्यों लगा रहा हूँ मैं, फूड मेरे पास जितना था सारा मैंने खत्म कर दिया, और एक फर्नेस में मैंने खाना पकने के लिए लगाया था पुराने फोर्ट्रेस में, और वो फर्नेस में वहीं छोड़ाया। कोई बात नहीं, मेरे पास ये ढेर सारे मेलन्स है ना, इससे काम चलाएंगे, ये भी स्वादिष्ट ही होते हैं वैसे। बाकी वो एंडरमैन, ओ आ रहा आ रहा आ रहा, आएगा वो, आएगा लड़ने आएगा पक्का। जहां तक है वो टेलीपोर्ट तो हुआ है मेरे को देख के। तो फाइनली गाइस मैंने टोटल 15 एंडर पर्ल्स अपने लिए इकट्ठी कर लिया, और मैं भाग कर उसी फोर्ट्रेस में आ चुका हूँ जहाँ पर मैंने अपना फूड रखा था। और बस मैंने इतना सा रखा था,
मैं खाली पी ली, इतना घूम कर उल्टा आया। मुझे लग रहा था मैंने बहुत सारा फूड वहां पर रखा, बट ठीक है ये भी इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत और कुक हो रहा है। ये लेकर अब बस मेरे को यहाँ से वापस निकलना है अपने ड्रैगन के पास, उसको खिलाने के लिए मेरे पास ये फायर चार्ज है, बस मुझे यही चाहिए और फिर अपना ड्रैगन हो जाएगा बहुत पावरफुल। लेट्स गो। तो सारा का सारा फूड कुक हो चुका है, फटाफट से इस फर्नेस को तोड़कर अब सीधा निकलते हैं हम लोग अपने ड्रैगन के पास पोर्टल पे। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने पोर्टल के पास, जल्दी से हम लोग चलते हैं अंदर और अब आने वाले हैं अपने असली मजे। लेट्स गो। तो मैं आ चुका हूं वर्ल्ड में वापस से और मेरा ड्रैगन वेट वो अपना बेचारा चुपचाप से वहीं पर बैठा हुआ है, दो दिन हो गए होंगे शायद इस वर्ल्ड के। तो हेलो, गुस्से में लग रहा है यार। ले पहले तू फायर चार्ज खा ताकि असली ताकत जो है। अरे यार रुको एक सेकंड, ड्रैगन भाई ये देख मार रही है मेरे को। एक में चलो बारी आ चुकी है इसको ये फायर चार्ज खिलाने की। 3, 2, 1 लेट्स गो। ओके तो अब एक बारी मैं इसकी राइड करके देखता हूँ और पता करते हैं कि क्या ये जो फायर चार्ज है अब ये अपने गले से फेंक पा रहा है या फिर नहीं। मैं अपने ड्रैगन को ऊपर लेकर आ चुका हूँ और इस टाइम पर वेट, ये देखो ये फायर चार्ज निकला यहाँ से और पेड़ पे जाके वो ब्लास्ट हो गया है। पहले ना गाइस मैं फूड खा के अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ और एक बार ना कहीं पर चल के लैंड करते हैं, वहां पर सामने मस्त डेजर्ट है और अच्छी खासी जगह है जहाँ पर अपने ड्रैगन चुपचाप से बैठ सकता है। ले भाई यहाँ पर करा देता हूँ प्यारी सी एक लैंडिंग। चल भाई बैठ, इसको यहाँ पर मैं बैठने के लिए बोल देता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ छोटे मोटे काम है वो पहले निपटाने हैं। सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल को रखता हूँ यहाँ पर और जितनी भी ब्लेज रॉड्स है इससे मैं बना लेता हूँ ब्लेज पाउडर। ब्लेज पाउडर एंडर पर्ल को मिला के बना लेता हूँ मैं ढेर सारे आई ऑफ एंडर, बाकी ये थोड़ा सा वेस्ट जाएगा। लेट्स गो। 15 आई ऑफ एंडर है मेरे को, डायरेक्शन पता करनी है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड। अरे मैंने 2 फेंक दी, ये गलती से हुआ, ब्लास्ट मत होना प्लीज। ओके दोनों आ गई, तो हमें इस डायरेक्शन पे जाना है। यार अपना ड्रैगन कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है जो उड़ के जिस तरीके से जा रहा है। बाकी हाँ वो बात अलग है, जो ओशन है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड इसके नीचे हो, पता नहीं ये पानी के अंदर उड़ भी पाएगा या फिर नहीं। वैसे नहीं उड़ पाएगा, तैरना होता पानी के अंदर, उड़ता थोड़ी है। कुछ ज्यादा ही बड़ा ओशन है यार, सच में खत्म ही नहीं हो रहा है यार। वेल तो अभी फिलहाल मैं अपने ड्रैगन पर राइड करता हुआ काफी ज्यादा आगे तक आ चुका हूँ, बट स्ट्रॉन्ग होल्ड मुझे अभी भी नहीं मिला। यहाँ पर काफी मस्त एरिया, अपने ड्रैगन को यहाँ पर लैंड कराता हूँ और दोबारा से आई ऑफ एंटर फेंक कर देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ से कितना ज्यादा दूर है। वेट तू एक मिनट के लिए यहीं पर बैठ और मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूँ अपनी आई ऑफ एंटर फेंक के, और अभी भी ये उस डायरेक्शन में जा रही है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। अब थोड़ा सा वापस जा रही है, मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड कहीं पीछे वाली साइड में मिस कर दिया। चलो फिर ड्रैगन को दोबारा से खड़े करते हैं और बैठते हैं इसके ऊपर और एक मस्त जंप मार के बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ। वैसे यार हो सकता है मैं यहीं से भी निकला था, आगे दिखा रहा था, यहाँ पे पीछे दिखा रहा है। एक बार दोबारा से इधर, अरे भैंस की, मेरे को लग रहा था पेड़ के ऊपर आऊंगा। ड्रैगन भी बेचारा यहाँ जंगल में आके गिर चुका है। दोबारा से आई ऑफ एंटर नीचे गई है। देखो यहाँ पे पर्पल लाइन आ रही है। ओके स्ट्रॉन्ग होल्ड यहीं कहीं पर है। चलो भाई ठीक है, अब बारी अपने ड्रैगन की। अब देखो मैं तो चले जाऊंगा माइन बनाकर, बट अपने ड्रैगन को स्ट्रॉन्ग होल्ड में ले जाने के लिए मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा करना पड़ेगा और उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। अपने ड्रैगन के पास है फायर बोल, मुझे बस ये फायर बोल यहाँ पर थ्रो करनी है और ये देखो क्या खतरनाक डैमेज हो गया वो एरिया, पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया है। तो चलो फिर फटाफट से इस पूरे एरिया को गड्ढा कर देते हैं क्योंकि यहीं कहीं पर हो सकता है स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। लेट्स गो। तो ढेर सारे यहाँ पर मैं इसकी फायर बोल फेंकने वाला हूँ और कुछ ही देर में ये एरिया पूरा खोखला हो जाएगा। गाइस एक बारी ध्यान से देखो अपने ड्रैगन के जितने भी फायर चार्जेस हैं कितना ज्यादा बुरे वाला डैमेज दे रहे हैं इस एरिया को। थोड़ा सा आगे चलकर भी मैं और ब्लास्ट करता हूं क्योंकि मेरे को पीछे तो स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं मिला। यहां पर भी ढेर सारे फायर चार्ज मैं फेंक कर देखने वाला हूं कि आखिरकार स्ट्रॉन्ग होल्ड है कहां पे। तो इस टाइम पर मैंने एक न्यू स्ट्रेटजी बनाई है इस पूरे के पूरे एरिया को तोड़ने के लिए। गोल गोल घूम के मैंने बहुत सारा फायर चार्ज यहां पर फेंका है और अभी भी मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड, अरे अरे ड्रैगन जल गया। पानी 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 पानी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पानी के पास इसको मैं लेकर चलता हूँ। वैसे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, देखो डैमेज हो रहा है बट उसकी हेल्थ नहीं कम हो रही। बाय द वे मुझे शायद से स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखा। वेट ड्रैगन भाई साहब यहाँ बैठो बस 2 मिनट के लिए, यार से कूद क्यों जाता हूँ मैं। एक बारी ना मैं खुद जाकर देखता हूँ, पहले पता करके आता हूँ कि आखिरकार स्ट्रॉन्ग होल्ड है कहाँ पर। पता चला मैं खाली पीली जा रहा हूँ और इधर स्ट्रॉन्ग होल्ड है ही नहीं। वैसे यार सच बताऊं तो देखने में लग नहीं रहा कि यहाँ पर आसपास स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मैं एक आई ऑफ एंटर फेंक कर देख लेता हूँ, अगर होगा तो मिल जाए। वेट आई ऑफ एंटर नीचे ही जा रही है यार, वो देखो वो भी फिर से नीचे गई। मैंने बेमतलब अपनी 2 आई ऑफ एंटर खो दी यार। अब स्ट्रॉन्ग होल्ड यही है तो 12 बचा के रखनी है। तो फिर देरी किस बात की, वापस चलते हैं ऊपर, ड्रैगन को ही लेकर चलते हैं नीचे। ऑलराइट तो ये मैं आ चुका हूँ यहाँ से ऊपर अपने ड्रैगन के पास, यहाँ से पानी कलेक्ट करके मैं बैठ जाता हूँ। चल भाई ड्रैगन यार ये जगह तोड़नी पड़ेगी अगर हमें नीचे जाना है तो फिर फटाफट से दोबारा हम लोग यहाँ पर ये अपने फायर चार्ज फेंकना शुरू करते हैं। बाकी एरिया थोड़ा सा डैमेज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पानी है अभी। भाई क्या खतरनाक डैमेज हो रहा है यार, एक बारी देखो। अब यार देखो मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड की एग्जैक्ट लोकेशन तो पता चल चुकी है, तो मैं काम करता हूँ भर के फायर चार्ज मार देता हूँ इस एरिया में। और ये देखो भाई
असली ड्रैगन की तो बैंड बजा देगा यार अपने वाला ड्रैगन। क्या खतरनाक तरीके से अटैक हो रहा है यार इधर। अगर मैं ऐसे कंटिन्यूअसली फेंकते जाऊं ये तो एरिया ही खा जाएगा पूरा। ओह वेट, आई थिंक अभी काफी सारा एरिया मैंने नीचे क्लियर कर दिया है तो मैं अपने ड्रैगन को भी यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ, बट स्ट्रॉन्ग होल्ड मुझे अभी भी नहीं नजर आ रहा। एक तो ये ब्लैक होल पता नहीं कहाँ से आ गया नीचे, देख कर आना पड़ेगा मुझे क्या सीन है। ओए ओए ओए, वेट वेट वेट, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं होगा इसको इससे। ये ले ले ले, बुझा बुझा ले, पानी है मेरे पास, ये ले। अरे इसको पानी कैसे दूं मैं? वापस से ड्रैगन पे बैठता हूँ और मैं यहाँ पर और डैमेज करना स्टार्ट करता हूँ। पहले उड़ के थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पर खड़े होकर मैं डैमेज करने वाला हूँ इस एरिया को, क्योंकि यार अभी इधर पानी आ चुका है तो शायद मुझे पानी बुझाना पड़े। बट यार पानी के आर पार भी देखो ये डैमेज कर ही रहा है। वैसे ये देखो ये मैंने फेंका, उस तरफ के भी फूट रहे हैं, तो मुझे पानी फोड़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर मुझे कंटिन्यूअसली ब्लास्ट करते ही जाना है करते ही जाना है। बट यार वेट, ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं ड्रैगन पे से ही आ गया हूँ पानी को बंद करने के लिए। यहाँ पर जितना पानी है सारा हटा देता हूँ। यार इधर ना बहुत सारा पानी था, मैंने सारा का सारा बंद कर दिया है और अब मैं दोबारा से यहाँ पर ब्लास्ट स्टार्ट कर सकता हूँ अपने एंडर ड्रैगन के फायर चार्ज थ्रो करके। बाय द वे वहां पर मुझे कुछ स्टोन ब्रिक्स नजर आ गए हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड में लगे होते। वेट, स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरे एग्जैक्ट नीचे ही था, तभी बार बार मेरी आईओ फेंडर यहीं जा रही थी। चलो भाई अपना काम हो गया, मुझे अपने ड्रैगन को यहाँ पर लैंड कराना है, बट इधर आग लगी हुई। ड्रैगन भाई साहब तुम थोड़ी देर ना यहाँ बैठो, तुम बाद में आना नीचे जब तो। अरे क्रीपर भाई मार, उर भाई साहब अपना ड्रैगन को देखो भाई, फूट गया उसके मुंह पे बेचारे के। कोई नहीं ड्रैगन, तो अपना चिल कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर बैठ, मैं एक सेकंड आता हूँ नीचे से। तो अरे उड़ के कहाँ जा रहा है, रुक जा, बैठ जा बैठ जा यहाँ पर, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, सेट सेट। उसको ना समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, वो दीवार में घुसे जा रहा है, वो बाहर मत जा। चलो तो अपने ड्रैगन को फाइनली जगह मिल गई है बैठने की, यहीं पर मैंने उसे बैठने के लिए बोल दिया है। मैं चलता हूँ नीचे, स्ट्रॉन्ग होल्ड को मुझे जाकर एक्टिवेट करना है और अपने ड्रैगन को मुझे उसके अंदर लेकर जाना होगा। सारा का सारा पानी यहाँ से हट चुका, बट ये लावा से जल सकता है। तो ठीक है मैं यहाँ से जंप मार के चलता हूँ नीचे, बस एक बढ़िया वाला ब्लॉक मिल जाए फिर हम लोग चलेंगे अंदर। पहले तो मैं यहाँ से जंप मार के बढ़ता हूँ आगे। फाइनली ये कुछ अलग ही तरीके से मैं पहली बार स्ट्रॉन्ग होल्ड में एंटर कर रहा हूँ। बाकी इधर बहुत सारा लावा है, बट लावा से मैं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो बस स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जाना है। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ पानी, और मुझे नहीं जाना, मुझे अपने ड्रैगन को भी लेकर जाना है, तो मैं अकेले जंप नहीं मारने वाला। जब अपना ड्रैगन भी रेडी हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर ढेर सारे ये सब कुछ लगाकर स्ट्रॉन्ग होल्ड को कर देता हूँ एक्टिव। लेट्स गो, टाइम आ चुका है, बट वेट अपना ड्रैगन इसके अंदर नहीं जा पाएगा। एक सेकेंड यार, इसका सॉल्यूशन मुझे पता है क्या होगा, हमें ना गाइस। अरे 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 अरे, पानी 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 पानी, मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, पानी तो पानी तो पानी तो, बच गया भाई। ये अलग कलेश है। हाँ पहले थोड़ा सा मैं फूड खा लेता हूँ। तो गाइस देखो अभी ना सीन क्या है, हमें ना सारा का सारा लावा इकट्ठा करके एक नेदर पोर्टल बनाना पड़ेगा। मेरे को वापस से जाना होगा नेदर, क्योंकि नेदर में मिलते हैं रेड मशरूम्स। रेड मशरूम अगर मैं उगाऊंगा ना तो रेड मशरूम इन पोर्टल को तोड़ देंगे। मैं इसको अपनी पिकैक्स से नहीं तोड़ सकता, तो वही एक तरीका है इन सबको हटाने का, ताकि अपना ड्रैगन भी एंड में उस एंड ड्रैगन के पास पहुंच पाए। तो ठीक है फिर यहीं पर पोर्टल बनाना स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास फूड बचा ही नहीं है, जितना था सारा खत्म, तो ठीक है उसका भी जुगाड़। वेट एक बार ना मैं चलता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड, थोड़ा सा लूट आता हूँ, मेरे को यहाँ से फूड तो मिल जाएगा एटलीस्ट। फूड 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 प्लीज, है क्या चेस्ट है, चेस्ट में मेरे को थोड़े बहुत एप्पल्स मिल गए हैं, लेगिंग्स मिल गई है, बट लेगिंग्स मैं अभी चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि नेदर में फिर वो ज़ॉम्बीज़ मारेंगे मेरे को। वेट, मुझे सबसे ज्यादा सीक्रेट चीज मिल गई, स्ट्रॉन्ग होल्ड के सीक्रेट रूम्स। तो जब भी स्ट्रॉन्ग होल्ड आओ ना ये जरूर लूट, मत लूटना। कितनी घटिया लूट नहीं मिलती थी यहाँ, एप्पल जो मिले थे ना दो तीन, इसी से मेरे को गुजारा करना पड़ रहा है। और वेट यहाँ पर एक जगह और है क्या, मैं ओ ये दूसरी जगह है, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर भी एक चेस्ट है, लेट्स गो उसको ओपन करते हैं। और यहाँ से गोल्ड और दो ब्रेड, ये नकली एंड है यार, इतनी कम लूट कैसे मिल रही है। स्केलेटन बता यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, कुछ है ही नहीं यार इधर सचमुच में। ये देखो ये स्केलेटन सा लगा गए, फूट वैसे ही नियमत मारो। ठीक है गाइस, तो भी मैं अंदर से थोड़ी बहुत लूट लेके वापस बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पर ये जो लावा है ना इसी का यूज करके मेरे को एक नेदर पोर्टल बनाना होगा, तो मैं कहीं जाने नहीं वाला, यहीं पर कुछ ब्लॉक्स तोड़ लेता हूँ। अरे सिल्वर फिश, पीछे पीछे हो जा पीछे हो जा, मैं लावा में गिर जाऊंगा सचमुच में। और इस तरफ में कुछ क्रीपर्स हैं, क्रीपर यार लाओ गन पाउडर दो यार, ये सिल्वर फिश पीछे पड़ चुके हैं, लो आ जाओ ज्यादा ज्यादा मस्ती चाह रही है। हैंस की कुछ पता होता है नहीं इनको। ठीक है तो पहले यहाँ पर मैं ढेर सारा लावा डाल देता हूँ, पहले तो लावा के ऊपर डाल दिया पानी, दो बेस बन चुके हैं अब। चलो यार तो अभी मस्त पोर्टल बन चुका है, फटाफट से फ्लिंट मार के मैं चलता हूँ नेदर में रेड मशरूम लेने और थोड़ा बहुत बोन मिल, अपना काम डन, अब ड्रैगन फाइट बची है बस। बाकी हाँ अब ओए इसके क्या किस्मत है, गेम ही सीधा नेदर फोर्ट्रेस से स्टार्ट हुआ है, बट हमें वहाँ नहीं जाना। वो देखो सामने रेड मशरूम है, वैसे ये नॉर्मली यहाँ पर मिल जाते हैं तो मैं कहीं पर भी जाके ले सकता हूँ। ओके तो मैं दूसरी साइड से घूम कर आ चुका हूँ, यहीं पर थे ना नीचे रेड वाले मशरूम, वेट उतर के देखता हूँ वो रे। चलो जंप मार के चलते हैं लेने, शायद से यहाँ पर दो ही है क्या, मेरे को चार चाहिए टोटल, चाहिए चार, बट मैं लेके कम से कम सात आठ जाऊंगा, मतलब कल को अगर एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना। यहाँ पर ऐसे मेरे को दो और मिल गए हैं, प्लीज एक और मिल जाए यार अपना काम हो जाएगा। ये लो ये लो, अरे ये लो ये लो, तुम तो ये लो भाई, और मेरे को इसके बदले ढेर सारा खाना दो जब तक मैं रेड मशरूम
लेकर आता हूँ शायद से आगे नहीं है। ओ भैंस की यहाँ पर देखो कितने सारे हैं, वैसे मेरे को दो चाहिए पर अब देखो बारात आ गई मेरी। अपना 50% काम हो चुका है, हमें मशरूम मिल गए हैं, अब बस मुझे बोन ब्लॉक ढूंढने हैं क्योंकि उससे बोन मिल जाएगा और मैं फिर उन मशरूम ट्री को बहुत जल्दी ग्रो कर पाऊंगा। लेट्स गो, मुझे वाली बायोम और बोन मील ब्लॉक मतलब बोन ब्लॉक्स दोनों मिल गए हैं। लेट्स गो, ऐसे इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है, दो ब्लॉक में अपना काम हो जाएगा, बट फिर भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और वेट, इन्वेंटरी में स्लॉट भी तो होना चाहिए ये लेने के लिए। लेट्स गो, सब हो चुका है, फटाफट से चलते हैं वापस। ऑल राइट, तो अभी फिलहाल मैं वापस आ चुका हूं अपने नेदर के पास। बाकी बीच रास्ते में मेरे को कुछ होगलिंस मिल गए थे, मैंने उनको मारा भी फ्लिंट से ताकि कुक्ड फूड मिले। डन, सब हो चुका है। ये लावा कहां से आ गया, पहले नहीं था ये। वापस चलते हैं और अब बारी है एंड जाने की। डन, तो अभी फिलहाल मैं नेदर पोर्टल से बाहर आ चुका हूं और अब बारी है अपने ड्रैगन को नीचे लाने की। बट उससे पहले मुझे ये मशरूम ग्रो करके ये फ्रेम हटाना होगा और उसको हटाने के लिए ग्रेवल चाहिए, तो मेरे को यहां से बाहर जाना ही होगा क्योंकि ग्रेवल जमीन के अंदर भी मिल जाती है बट थोड़ा मुश्किल होगा ढूंढना। बाहर चल के एक ही बार में ढूंढ के ले आऊंगा। लेट्स गो, तो मैं यहां से बाहर आ चुका हूं, सामने मुझे आती है ढेर सारी ग्रेवल नजर आ गई है। अपनी शवल बाहर निकाल लेता हूं और जितना भी, वैसे जितना नहीं, मेरे को बस 4-5 ब्लॉक ही चाहिए, तो यहां से इकट्ठा करके लेकर चलते हैं वापस अपने ड्रैगन के पास। ओ वेट वेट वेट, मेरा मन तो है यहां पर एमएलजी मारने का बट ये बहुत ज्यादा गहराई पे और कोई भी फ्लैट एरिया नहीं है तो पक्का एमएलजी फेल हो जाएगा। मैं यहां पर चल लेता हूं इस तरफ, अपना पानी डाल देते हैं और अब मैं नीचे चुपचाप से जाने वाला हूं। ड्रैगन को लेकर ही चलते हैं ना, इसको भी तो वहीं पर बैठाना है चल के। ये आराम से यहां पर कोई एरिया ढूंढना पड़ेगा जहां पर इसको कोई डैमेज वैमेज ना करे मॉब्स। बस 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 बस, अरे भाई भिड़ गया बेचारे का मुंह दीवार में। बैठ यहीं पर थोड़ी देर और मैं आ रहा हूं। क्रीपर नहीं, हैस की टांग, क्रीपर फूट गया भाई। और ये देखो सिल्वर फिश लगा रहे हैं, अपना ड्रैगन इन्हें मार देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं अपना आगे चलता हूँ। अरे रुक जाओ, ये पोर्टल में कहाँ जा रहा है, बैठ अभी। ओके, अपना ड्रैगन सच में बहुत ज्यादा समझदार है, भाग के जल्दी से पोर्टल के पास आ गया। रुक जाओ, मेरे को आगे का एक्सपेरिमेंट करने दे। तो यहाँ का ये वाला ब्लॉक हटा के मुझे इधर रखनी है ग्रेवल, ग्रेवल के ऊपर मशरूम, मशरूम के ऊपर मेरे को मारना है बोन मील। तो ये लेकर यहाँ पर फटाफट से लगाते हैं और ये पेड़ वो क्यों नहीं रहे। वेट गाइस, ये ग्रेवल पे ग्रो होता ही नहीं है शायद से, यार मैं भी क्या भूल गया हूँ। इसको मैं नॉर्मली डर्ट पे भी कर सकता हूँ यार, एक बार ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ पर मशरूम रखूँ और फिर इस पे बोन मिल, ओ इजी था यार, मेरे को बस डर्ट पे करना था। और ये देखो, एक सेकेंड यार, ये ब्लॉक तो हटा दूं पहले। हाँ, तो अभी ये जो फ्रेम है ये कटना स्टार्ट हो गया है। ऑल डन गाइस, तो अपना सारा काम हो चुका है। मैंने नीचे ढेर सारे मशरूम ट्री ग्रो करके पोर्टल का पूरा फ्रेम तोड़ दिया। और एक सेकेंड, ये अपना ड्रैगन कहाँ जाना चाह रहा है भाई, इधर 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 जाना है हमें, इसको पता ही नहीं है शायद एंड का होता है। तो पूरा क्लियर हो चुका है, फटाफट से हमें चलना होगा एंड में। लेट्स गो गाइस, तो भी फिलहाल मैं अपने ड्रैगन को लेकर आ चुका हूँ एंड में और ये रहा असली ड्रैगन और अब बारी है इसको पीटने की। बट वेट, थोड़ा बहुत संभाल के, ओ भाई ये तो दूर से ही बहुत गंदा डैमेज दे रहा है। थोड़ा सा मैं इसको, एक सेकंड आराम से, थोड़ा सा यार थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इसको उड़ाना इस टाइम पे। बाकी ठीक है, ढेर सारी फायर चार्ज मैंने थ्रो करी बट ये उस टाइम पर बच के भाग गया। पड़ा पड़ा पड़ा, उसकी बहुत सारी हेल्थ गई है। बट यार इसको मारने से पहले इसके सारे के सारे क्रिस्टल्स फोड़ने होंगे वरना ये अपनी हेल्थ वापस वापस रीहील करता रहेगा। और अपना ड्रैगन भी हेल्थ रीहील कर लेता है, ऐसी बात नहीं है, बट इस बार मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने ढेर सारे फायर चार्ज वहां पर फेंक दिए हैं और ये बेचारा तड़प के मरने वाला है। आजा बेटा बैठो नीचे। गया गया गया, क्रिस्टल्स फोड़ने की जरूरत नहीं है, ये बेचारा ऐसे ही ढेर हो जाएगा। ओके, बहुत सारे फायर चार्ज मैंने फेंक दिए और ड्रैगन मर के ढेर। भाई अपना ड्रैगन उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेट्स गो, चलो मैं चल के सारी एक्सपी भी यहीं पर इकट्ठी कर लेता हूँ। वेट, ओ ये चाहिए, एक सेकंड, वो शायद से नीचे गई। बट ठीक है यार, जो भी हो बहुत ज्यादा गलत तबाही मच चुकी है। अपने ड्रैगन को मैं यहीं पर बैठा देता हूँ और कसम से कुछ भी टाइम ही नहीं लगा यार ड्रैगन को मारने में, क्योंकि ये तो फायर चार्ज फेंक रहा था भाई, ये बहुत खतरनाक थी। कंटिन्यूअसली फेंक के हमने ड्रैगन का खेल खत्म ही कर दिया। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में जाके कुछ इस टाइप के और भी आइडियाज आप लोग दे सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।